नमस्कार दर्शकों, मैं रोहन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो लाइव के माध्यम से। दर्शकों, आज हम जानेंगे राहु के गोचर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 मार्च 2019 को राहु ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। दर्शकों, इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे मेष राशि से कन्या राशि तक और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे तुला से और मीन राशि तक। राहु ग्रह मिथुन राशि में 7 मार्च 2019 को प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर 2020 तक राहु ग्रह इसी राशि में विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं कि राहु ग्रह का इस राशि में रहने से विभिन्न विभिन्न अन्य राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, राहु इस गोचर के दौरान आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। आपके लिए राहु का यह गोचर काफी लाभदायक साबित होगा। कुंडली का तीसरा भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से रिश्ता और दोस्ती को दर्शाता है। राहु के गोचर की वजह से आपको अनेक प्रकार से धन लाभ होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं उन्हें इस दौरान अच्छा काम मिलेगा। किसी लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। हर किसी से मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर रखें और किसी का भी अनादर ना करें। मेष राशि के लिए राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचने का जो उपाय है वह यह है कि बुधवार की शाम को आप काले तिलों का दान करें। दर्शकों, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में राहु गोचर के दौरान आपके दूसरे भाव में स्थित रहेगा। वृषभ राशि के जातक राहु गोचर के दौरान किसी प्रकार के बिजनेस में निवेश करने से बचें। वृषभ राशि वालों को खासतौर से पैसों के लेन देन के मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी से भी बिना वजह के ना उलझें। परिवार के लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पेश आएं और मुश्किल वक्त में अपना आपा ना खोएं। वृषभ राशि वालों के लिए राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय है वह यह है कि रविवार के दिन आप लोग भैरव मंदिर जाएं और भैरव बाबा के दर्शन प्राप्त करें। दर्शकों, अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि जातकों के लिए राहु ग्रह इस वर्ष प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु गोचर के प्रभाव से जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और विशेष रूप से मुसीबतों की स्थिति में सोच समझ कर काम करने की आवश्यकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी के साथ भी बिना वजह के बहस ना करें, ये आपके विपरीत जा सकते हैं। विद्यार्थियों को विशेष रूप से राहु गोचर के दौरान अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं मिथुन राशि के उपाय के बारे में। मिथुन राशि के जातक राहु के गोचर के दौरान अपने पास हमेशा एक काले रंग का पत्थर जरूर रखें। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि जातकों के लिए राहु आपके 12वें घर में विराजमान होंगे। आपका 12वां भाव विशेष रूप से आर्थिक मामलों से जुड़ा होता है। राहु के गोचर के दौरान आपके जीवन में आर्थिक मामलों से जुड़ी परेशानी आ सकती है। फिजूल खर्ची से बचकर रहें। पारिवारिक झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी विषम परिस्थिति का सामना सूझबूझ के साथ ही करें। कर्क राशि जातकों के लिए उपाय है कि कर्क राशि के जातक राहु के गोचर के प्रभाव से बचने के लिए महाकाली और भैरव देव की पूजा अर्चना नियमित रूप से करें। दर्शकों, हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए राहु उनके 11वें भाव में विराजमान होंगे। जन्म कुंडली का 11वां भाव विशेष रूप से धन लाभ और महत्वाकांक्षाओं से संबंधित होता है। राहु गोचर की वजह से आपको विशेष धन लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बच्चों के हाव भाव से मन उदास हो सकता है। शादीशुदा लोगों के जीवन में खुशियों के नए आयाम बनेंगे। सिंह राशि के जातक राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना ना भूलें। दर्शकों, अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। इस गोचर के दौरान राहु आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे। जन्म कुंडली का 10वां भाव कैरियर व बिजनेस के लिए जिम्मेदार होता है। किसी भी तरह की सफलता प्राप्त करने के लिए भूलकर भी कोई छोटा रास्ता ना चुनें। अपनी मां की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखें। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा लेकिन पैसों की फिजूल खर्ची से बचें। राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आपको नियमित श्री राम रक्षा सूत्र का पाठ करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। दर्शकों, आज इस वीडियो में हमने जाना मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा राहु का यह गोचर और अगले वीडियो में हम जानेंगे तुला राशि से मीन राशि के बारे में। दर्शकों, यदि आपकी कोई समस्या है जिसका आप हमसे अचूक व सरल समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एस्ट्रो लाइव के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।